रन लिया हो अपना देखिए आज इससे इससे ज्यादा क्या दुख हो सकता है। ऐसी ऐसी कड़ाके की ठंड में कोरोना का भी टाइम था जब से आंदोलन शुरू हुआ। ऐसे में किसान इतने दिनों से अपने सड़क पे एक शांतिप्रिय और अनुशासित तरीके से अपनी आवाज़ उठा रहा है, मगर उसकी आवाज़ को सुनी नहीं जा रही। 45 किसानों के मैं अपने जान इसमें कुर्बान कर चुके हैं। कल कैथल जिले में जो है अपना भाना गांव के अंदर कल एक और किसान ने अपनी जान दी है। कैसे भाना गांव में, ये बरोदा गांव सोनीपत जिले के बरोदा गांव में मैं घर गया उनके, जिनके अजय कुंडू है, जिनके इस भाई की डेथ हुई। तीन लड़कियां हैं, कोई आगे कोई कमाने वाला नहीं घर में। तो किसानों ने 45 किसानों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी हैं। तो सरकार को सुनना चाहिए। मैं सरकार से आग्रह करना है तो विनम्र निवेदन कि ये एक जन आंदोलन बन चुका है। आप खुद देखिए प्रवीण, इतने मैं समझता हूँ इतनी बड़ी संख्या में जो आज यहाँ पे किसान एकत्रित है, शायद कभी देश ने नहीं देखा होगा इतने संगठित और अनुशासित तरीके, शांतिप्रिय तरीके। इस जन आंदोलन की भावना समझते हुए किसान, ये किसानों के खिलाफ जो 3 बिल है इनको वापस लिया जाए और ये 4 से पहले ही घोषणा करे सरकार। लेकिन सड़कों पर बुरी हालत है फिलहाल, किसान के ना खाने पीने की व्यवस्थाएँ तो हैं लेकिन सर्दी बढ़ रही है काफ़ी, आप लोगों ने मदद भी की है। ये मैं मानता हूँ कि भाई जो एक नारा था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, वो जय जवान जय किसान को चरितार्थ करती हुई हरियाणा की, पंजाब की, राजस्थान की वीर भूमि है। मगर आज ये सरकार उस नारे को भूल चुकी है ऐसा दिखाई देता है। वो नारा हो गया मरे जवान मरे किसान। 45 किसानों ने अपनी जान दे दी, किसान यहाँ पे अपनी ठंड में पड़े हैं, मगर सरकार कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही, तो ये आज बड़े दुर्भाग्य की बात है। और दूसरी बात जो अभी एक मेरी नोटिस में आई कि यहाँ पर प्रशासन बिजली भी काट रहा है। मैं प्रशासन को चेतावनी देता हूँ कि ये प्रशासन, जिला प्रशासन झज्जर यहाँ टिकरी बॉर्डर पे 24 घंटे बिजली देने का काम करें। अगर यहाँ पे बिजली की कमी अगर पाई जाएगी तो हम किसान के लिए जो भी लड़ाई लड़नी होगी वो लड़ने का काम करेंगे। जिन किसानों की डेथ हुई उनके लिए भी कुछ डिमांड करें सरकार। हम जो जहाँ जहाँ जो है ऐसे जो किसानों ने अपनी इसमें कुर्बानी दी है, शहादत दी है, उन सभी के परिवारों को नौकरी मिलनी चाहिए, उन सभी को आर्थिक रूप से उनकी सहायता होनी चाहिए 45 के 45 परिवारों की। और आपको याद होगा कि जब कंडेला के अंदर एक किसान आंदोलन हुआ था उसमें बहुत से दर्जनों किसानों ने वहाँ भी अपनी शहादत दी थी, तो उन सभी को शहीद का दर्जा दे के नौकरी उनके परिवारों में देने का काम जब कांग्रेस की सरकार बनी उस समय किया गया था, उसी तर्ज पे ये किया जा सकता है। जो किसानों की जिन्होंने जिन जिन जिस जिस किसान ने अपनी जान अपने इसमें कुर्बान करी है, जिसमें हरियाणा के बहुत से गाँव के लोग हैं, जिसमें मैंने कहा पर बरोदा गाँव का है, एक अपना बालू गांव के एक अपना किस किसान है, इसी तरह इसार का एक है, नरवाना का एक है, एक कलायत का एक है, तो हरियाणा में सेजरा का गांव का एक है। तो ये अपना बहुत लगभग दर्जन हरियाणा के किसानों ने भी अपनी जान इसमें कुर्बान कर चुके हैं। तो ये कहना कि ये पंजाब का आंदोलन है, मैं इसे आप प्रेस के साथी हैं, आप देश की सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचाने का काम करें, सरकार की आंख खोलने का काम करें। इसमें हजारों लाखों की संख्या में हरियाणा के एक एक गाँव से यहाँ पे मैं किसान आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे आया हुआ है। विंटर सेशन भी नहीं किया इस बार। बड़े दुख की बात है कि संसद पे कोरोना का आड़ पे ताला लगा रखा है संसद में। जब बंगाल में जाए गृह मंत्री तो कोरोना खत्म हो जाती है, वहाँ पे रैली कर सकते हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी जनसभा कर सकते हैं। जब बीजेपी के कोई बड़े लोग रैली कहीं भी पूरे देश के अंदर इलेक्शन के दौरान, बिहार हो, बंगाल हो, अभी उपचुनाव थे अपना सोनीपत के अंदर, मुख्यमंत्री जी खट्टर आए तो खट्टर साहब ने वहाँ रैली करी, तब कोरोना नहीं है। हरियाणा विधानसभा चल सकती है, देश की सारी विधानसभा चल सकती है, तब कोरोना नहीं, और देश की संसद के टाइम कोरोना लगा दिया इन्हें। आज हरियाणा में 15 सांसद हैं, 14 बीजेपी के हैं, अकेले एक विपक्ष में जो है एकमात्र मेरे को अवसर मिला है। तो बहुमत है इनके पास, कोई बात रखनी है तो रख सकते हैं ये, मगर इतनी भी एक विपक्ष की आवाज़ ना रखी जाए इसके लिए संसद पे, जो संसद का जो बंद किया है ताकि हम किसान की बात ना उठा पाए, तो सरकार ये अलग तंत्रिक रवैया छोड़े। किसानों ने भी अपना रुख दिखा दिया जो चुनाव आए थे उसमें। बिल्कुल, आपने देखा कि वो कह रहे थे कि भाई जेजेपी की स्टेटमेंट थी, जेजेपी जो पार्टी है
दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी, उन्होंने कहा था कि शहर में किसान नहीं है इसीलिए हम जो है, मगर आपने देखा रिजल्ट क्या आया शहर, क्योंकि देश में सभी कृषि से जुड़े हुए हैं, कोई खाता है तो कोई उगाता है, कोई उगाता है तो कोई खाता है। तो मैं सभी हरियाणा प्रदेशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, शहरवासियों का धन्यवाद करता हूँ कि शहरों के अंदर इतना जो भाजपा और जेजेपी को जो है बिल्कुल का पूरी तरीके से लोगों ने परास्त करने का काम किया, जो मैंने उस दिन रिजल्ट आते ही कह दिया था। इस नगर निगम के चुनाव के बाद ये साबित हुआ हरियाणा के अंदर कि बीजेपी हाफ और जेजेपी साफ। तो लोगों का हम धन्यवाद करते हैं, लोगों ने एक संकेत दिया है, सरकार अपना अड़ियल रवैया तो छोड़े, इसमें जिद ना दिखाए सरकार। मैं बार बार आग्रह करता हूँ, जिद का, अहम का, अहंकार का कोई स्थान नहीं है, सरकार इस जिद को छोड़े और विनम्रता से अगर प्रजा की बात मानेगी तो कोई सरकार उससे हारती नहीं है, कोई प्रजा की बात मानने से कोई हार नहीं है, प्रजा की बात मानने से कोई छोटा नहीं होता, अपनी प्रजा की बात माने सरकार।